ये भाई मेनू वगैरह कुछ ऐसा दिखता है, बाकी काफ़ी सारे स्टेशनों पर ऐसा चीज़ें अवेलेबल नहीं है, होना चाहिए था। आपको यहाँ पर भाई गोवा के अंदर स्टेशनों पर खाना आपको अच्छा मिलने वाला है, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं। और अभी भाई कोच लगभग लगभग खाली है, कुछ गिने चुने पैसेंजर्स हैं। हाय एवरीवन, वेलकम है आप सभी का एक वापस से नई रेल जर्नी, एक नई यात्रा में। आज हम ट्रैवल कर रहे हैं भाई मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12134 में। ये जर्नी भाई होने वाली है गोवा के मडगांव से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक। ये ट्रेन आती है भाई डायरेक्टली मंगलुरु से स्टार्ट होती है और वाया गोवा जाती है मुंबई तक। टोटल डिस्टेंस कवर करती है 893 किलोमीटर्स और हमारी जर्नी भाई गोवा से होने वाली है मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के लिए। अब हम बात करते हैं टोटल डिस्टेंस और टाइम एंड शेड्यूल की। तो ये ट्रेन भाई 10:10 पर डिपार्चर होती है गोवा के मडगांव से और अगले दिन 10:35 पर भाई अराइव होती है। टोटल डिस्टेंस कवर करती है 580 किलोमीटर्स और भाई टाइमिंग की बात करें तो 12:25 लगाती है। तो आज हमारी जर्नी होने वाली है भाई, और अभी ट्रेन जो है 1:50 की डिले है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं भाई और ट्रेन यहाँ से भाई आने ही वाली थोड़ी ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। अभी मैं हुए मडगांव रेलवे स्टेशन पर, इसका स्टेशन कोड है MAO और ये आता है भाई कोकण रेलवे डिवीजन, इसको ऑपरेट करती है। जामनगर टू तिरुनावेली भाई ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है और यहाँ से भाई वो निकलेगी। उसके बाद इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भाई हमारी ट्रेन आने वाली है भाई मुंबई CSMT सुपरफास्ट एक्सप्रेस, उसी की वेट हो रही है जबकि टाइम हो चुका है और अभी भी भाई हमें 1 घंटा यहाँ पर वेट करना होगा क्योंकि ट्रेन काफ़ी पीछे है और डिले कर चुकी है 1:50। और एक चीज़ बता दूं भाई, कोलबा बीच यहाँ से जस्ट 7 किलोमीटर्स है, मतलब ये साउथ गोवा का सबसे फेमस बीच है कोलबा बीच। यहाँ आते हो तो भाई डायरेक्टली नियरस्ट है 7-8 किलोमीटर्स डिस्टेंस है, डायरेक्टली आप बाहर निकल करके बसेस लेके आप जा सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी वाघा बीच के लिए आपको 50-60 किलोमीटर्स का यहाँ से डिस्टेंस बस लेना पड़ेगा, जो बसेस आपको मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर भाई एक जामनगर तिरुनवली ट्रेन खड़ी हुई 19578 जस्ट। उसके बाद यहाँ पर दिखा दूँ भाई एक फूड प्लाजा है, मतलब रेल रेस्टोरेंट्स वेस करके। ज़्यादातर मेजर स्टेशनों पर भाई आपको इस तरह के रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे, बट यहाँ पर फूड वगैरह काफ़ी सही है भाई और टाइमिंग भी यहाँ पर दे रखा है। और प्लेटफॉर्म भाई काफ़ी ज़्यादा क्राउड और भीड़ है। बाकी थोड़ा डिफरेंट रूल है यहाँ पर का, IRCTC का रूल यहाँ पर नहीं, यहाँ के ड्रेसेस भी बहुत डिफरेंट है। आपको जो TT है ना उसका एक फॉर्मल ड्रेस दिखेगा आपको, और जो भी सेक्टर इधर दिया है प्राइवेट वालों को दे रखा है, प्राइवेट वाले के हाथ में है भाई ये सारा। बट देखते हैं आगे, गवर्नमेंट के साथ बताया गया मर्ज हो सकता है आगे फ्यूचर में। और बता दूं भाई कि ये मडगांव जंक्शन पे भाई फूड का फैसिलिटी काफ़ी सही है, मतलब काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर आप खुद सेल्फ सर्विस से फूड ले करके खा सकते हो। क्वालिटी भाई ज़बरदस्त है, शिकायत नहीं भाई। 85 रुपीज़ का भाई ये है, 85 रुपीज़ का जस्ट वहाँ काउंटर है, वहाँ से भाई पेमेंट करो और पीछे से भाई आपको सेल्फ सर्विस जा करके खुद से ला के बैठ के खाओ, फिर काफ़ी सही है। ट्राई करते हैं भाई टेस्ट, पहले दिखने में तो सही लग रहा है। अब तक भाई ट्रैवल किया हूँ स्टेशनों पर, सबसे बढ़िया फूड है भाई। स्टेशन पर जो एक्सपेक्टेशन होती है ना कि फूड सही नहीं मिलता है, काफ़ी लोगों की भाई एक मन में डाउट होता है कि भाई स्टेशनों पर खाना अच्छा नहीं मिलता है, पर आपको गोवा में खाना अच्छा मिलेगा भाई और अच्छे प्राइस में 85 रुपीज़ में और बिल के साथ। आपको यहाँ पर भाई गोवा के अंदर स्टेशनों पर खाना आपको अच्छा मिलने वाला है, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स है, आप यहाँ पर आओ खाओ। काफ़ी सारे पैसेंजर यहाँ पर भाई खा रहे हैं, देख लो भाई टूरिस्ट प्लेस है तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उसका सैंडविच का कितना है? 50 रुपये। एक पानी बोतल। पानी बोतल कितना? 15 रुपये कर दिया। ठंडा? हाँ। ये भाई मेनू वगैरह कुछ ऐसा दिखता है, बाकी काफ़ी सारे स्टेशनों पर ऐसा चीज़ें अवेलेबल नहीं है, होना चाहिए था।
एक घंटे 57 मिनट की डिले के साथ पहुंच चुकी है हमारी मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल सुपरफास्ट एक्सप्रेस 12134। दो नंबर प्लेटफॉर्म पर अराइव हो चुकी है। अपर बर्थ, सारे पैसेंजर उतर चुके हैं और ये है ऊपर वाला बर्थ, अपर बर्थ, 22 नंबर सीट S6 में। मैं इस रूट में ट्रेन में देखता हूँ, ये मडगांव से रत्नागिरी से जब मुंबई से अप डाउन करती है ट्रेन तो जनरली काफ़ी सारे जो है खाली होती है। स्पेशल ट्रेन में भी आया तो काफ़ी सारे डिले किया बट वो भी खाली ही था, सीट मिल जाती है। मुंबई CSMT सुपरफास्ट एक्सप्रेस भाई खड़ी हुई है दो नंबर प्लेटफॉर्म पर और इस ट्रेन की भाई आपको टाइम एंड शेड्यूल बताता हूँ। ये ट्रेन होती है मैंगलुरु से स्टार्ट होती है 4:35 पर शाम में और अगले दिन पहुँचाती है वाया जो गोवा होते हुए भाई पहुँचाती है मडगांव होती जाती है गोवा के, वो पहुँचाती है भाई डायरेक्टली मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। अभी बता दूं भाई कि ये ट्रेन जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल नहीं जाने वाली है, डाइवर्ट हो चुकी है, मतलब वहाँ तक नहीं जाएगी ये ट्रेन भाई। CSMT नहीं जाने वाली, वहाँ तक कैंसिल कर दिया गया है, मतलब थाने से और जो CSMT तक का जो बिटवीन डिस्टेंस है ना वो कुछ वर्किंग में है तो इसलिए भैया ट्रेन भी यहाँ से डिपार्चर हो गई है। तो फिलहाल बोर्ड करते हैं फिर आगे। कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्योंकि थाने और जो CSMT के जो बिटवीन बीच में, तो इसी वजह से जो है ना वो अभी कैंसिल किया गया है उसको। ये थाने तक ही लास्ट डेस्टिनेशन है इस ट्रेन का और उसके बाद आगे अगर आपको जाना है तो भाई लोकल लेकर के आप जा सकते हो या फिर पनवेल से आप लोकल लेकर मुंबई के किसी भी पार्ट में जा सकते हो, ये ऑप्शन है आपके लिए। बाकी यहाँ से डिपार्चर हो चुकी है भाई, टाइमिंग के बाद के 10 मिनट का यहाँ पर होल्ड था। 1 घंटे 55 मिनट के डिले के साथ भाई डिपार्चर हो चुकी है ये मडगांव जंक्शन से। ये रहा भाई मडगांव से डिपार्चर होते हुए 1 घंटा 55 मिनट के डिले के साथ 12:05 पर डिपार्चर हो चुकी है। कोच का इंटीरियर दिखा दूं पहले क्या है, ये भाई लैगेज स्पेस है, ये पुराने कोचेस में हुआ करती है लैगेज स्पेस, जबकि मैं काफ़ी ट्रेन में जाता हूँ सब में अलग अलग चीज़ें मुझे देखने के लिए मिलती है। दो दो फायर स्टिकर यूज़ किया गया है बट इंस्पेक्शन डेट भी डाला हुआ 9 महीना 2025। और एक दो टॉयलेट है भाई, एक वेस्टर्न एक नॉर्मल टॉयलेट है और एक वॉश बेसिन है भाई, पानी वगैरह इनफ आ रही है। ये भाई मिरर वगैरह क्लीन है एकदम ठीक है। एक लाइट दिया गया देखने के लिए, कुछ हैंगिंग करने के लिए, बाकी सब प्रॉपर इज गुड है भाई। उतनी भीड़ नहीं है ये ट्रेन में जो मैं पैसेंजर यहाँ पर भाई डिबोर्ड कर गया, यहाँ पर भाई मडगांव में काफ़ी पैसेंजर उतर चुके हैं और अभी भाई कोच लगभग लगभग खाली है, कुछ गिने चुने पैसेंजर से। हमारी ट्रेन भाई मडगांव को अलविदा करते हुए, गोवा को अलविदा करते हुए निकल चुकी है और ये प्राइवेट टेंडरों के पास भाई, जितनी भी कंपनी है ना प्राइवेट उन लोगों को टेंडर दिया गया है। ये कोकण रेलवे जो है ना ये खुद एक प्राइवेट है, ये सारा चीज़ें हैंडल खुद कर रही है, गवर्नमेंट अभी तक मर्ज नहीं है, गवर्नमेंट को भाई कुछ भी टैक्स नहीं जा रहा है। कोकण रेलवे ने भाई टर्नल्स बना रखे हैं, काफ़ी सारे टर्नल्स बनाए जो एशिया का लॉन्गेस्ट टर्नल्स है ना भाई, ये रूट में पड़ता है रत्नागिरी से पहले आता है। 29 किलोमीटर्स की भाई जर्नी कवर करके नेक्स्ट हॉल्ट पहुंची है करमली, वो भी भाई काफ़ी ज़्यादा डिले है ट्रेन, बताया था मैंने अभी 1 घंटा 55 मिनट अभी भी डिले चल रहा भाई और सिग्नल मिल चुका है जब ट्रेन अब स्टार्ट होने को तैयार है भाई। पीछे सिग्नल मिल गया, ये खुल भी गई, लो भाई लो भाई डिपार्चर होते हुए करमली से। ये NRMU भाई, ये है करमली, करमली Thank you.
टोटल 510 किलोमीटर्स की बाइक जर्नी कंप्लीट अब तक हो चुकी है और आप पहुंचने वाले हैं अगले होल्ट पे पनवेल, क्योंकि ये ट्रेन भाई CSMT नहीं जाने वाली है। थाने टू CMC बिटवीन जो काम चल रही है कुछ डिस्टेंस में जो है ट्रेक इन प्रोग्रेस में चल रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस में चल रहा है भाई, तो इसी वजह से जो है ना ट्रेन वहाँ एंड नहीं होगी, ये थाने तक एंड होने वाली है और हमारी जर्नी पनवेल तक मैं फिनिश कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से लोकल मिलना थोड़ा ईजी है भाई। थाने से हमें लोकल मिलना मुंबई में पूरा कहीं पर भी थोड़ा प्रॉब्लम है, और कनेक्टिंग करके मैं जा सकता हूँ पनवेल से, क्योंकि मैं गया हूँ कई बार, और वहीं से हमारी जर्नी भाई एंड होगी पनवेल से। चौथा होल्ट है ये और 514 किलोमीटर भाई के जो मडगांव से पनवेल तक की डिस्टेंस है, और बाकी भाई फाइनली 11 घंटे 15 मिनट की ये जर्नी होकर के फिनिश हो जाएगी जर्नी। तो फिलहाल अभी ट्रेन जस्ट 5 किलोमीटर पीछे है भाई और 51 मिनट डिले के साथ चल रही है। निकलते हुए सोम ट्रेन से और रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, नींद इतनी आ रही थी ना, क्योंकि मैं कल रात्रि भाई बिल्कुल भी नहीं सोया था, थोड़ा भी नहीं, तो इसलिए प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि रात्रि मुझे सोना था, रेस्ट करना था, तभी जाके मैं आगे की जर्नी कंटिन्यू कर पाता। फाइनली भाई सोया हूँ ज़बरदस्त, बाकी जितना भी चीज़ें मुझे एक्सप्लोर करनी थी, ये सिंपल सी जर्नी थी, छोटी सी जर्नी थी, तो फाइनली मैंने इसको कंप्लीट किया। थोड़े टाइम के बाद फिर हमारी जो पनवेल हॉल्ट है वो आ जाएगी, फिर वहाँ से जर्नी को फिनिश करके फिर निकलेंगे अपने घर को लिए, घर के लिए। ये है भाई कलुंद्री रिवर जस्ट नियरेस्ट पनवेल, आगे आ चुका है भाई हॉल्ट हमारा पनवेल जंक्शन, जस्ट 1 किलोमीटर पीछे है और आप मेरे सामने दिखा भी दे रहा है पनवेल जंक्शन। ये भाई पनवेल जंक्शन, तो गाइस फाइनली भाई अभी अराइव्ड हुआ हूँ जस्ट 5 मिनट पहले, और ट्रेन हमारी जो CSMT सुपर फास्ट एक्सप्रेस यहाँ से डिपार्चर हो चुकी है फाइनल डेस्टिनेशन थाने के लिए, क्योंकि मैंने बताया था कि वो ट्रेन डायरेक्टली CSMT नहीं जा रही है, कुछ बिटवीन वर्क चल रहा है उसके डिस्टेंस बीच में, तो इसलिए भाई ये ट्रेन थाने को एंड हो जाएगी और हमारी जर्नी पनवेल तक मैंने फिनिश किया भाई, क्योंकि मुझे आगे जाना नहीं था, फिर वो तो वापस आना पड़ता, तो इसलिए पनवेल से भी भाई लोकल लेंगे। जस्ट मेरे पीछे भाई लोकल के लिए कुछ एरिया है भाई, मेरे पीछे भाई लोकल ट्रेन का एरिया स्टेशन बने हुए, मतलब ये सुपर फास्ट वगैरह ट्रेन भाई यहाँ से पास होती है और मेरे पीछे भाई लोकल के लिए बनाया गया, तो अभी जाएंगे पीछे टिकट वगैरह लेंगे और फिर जाएंगे अंधेरी को, बाकी जर्नी को भाई यहीं प्लान करते हैं। अभी मैं पनवेल जंक्शन पे भाई पहुंचा हूँ, इसका स्टेशन कोड है PNVL भाई, नेवी मुंबई में हूँ अभी मैं, और यहाँ भाई जो है यहाँ का बड़ा पाव बहुत ही फेमस है, आओ तो ट्राई करना ज़रूर, बता दिया हूँ। बाकी अभी जा रहा हूँ पीछे लोकल का टिकट लेकर, फिर अपनी जर्नी को आगे करता हूँ अंधेरी के लिए। तो फिलहाल भाई इस जर्नी को यहीं प्लान करते हैं, फिर मिलते हैं वापस से एक नई रेल यात्रा, एक नई जर्नी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।